एक पेंगुइन जो बाजार जाकर करता था शॉपिंग, एक कांच जिसे तोड़कर बन सकते हो करोड़पति, या फिर एक ऐसी बिल्डिंग जो हवा में बनाती है यू का शेप, और नहाने का क्रिएटिविटी से क्या रिलेशन है? अगर जानने हैं ये फैक्ट्स तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों, जब कोई चीज बहुत बड़ी होती है तो हम कहते हैं कि ये तो जंबो साइज है, लेकिन आखिर ये जंबो शब्द आया कहाँ से? जंबो शब्द 19th सेंचुरी के अफ्रीका के एक बहुत बड़े हाथी के नाम से निकला है, जिसका नाम जंबो द एलिफेंट और जंबो द सर्कस एलिफेंट था। इस हाथी की ऊंचाई करीब 4 मीटर यानी लगभग 13 फीट थी। ये हाथी बाद में फ्रांस लाया गया और फिर ब्रिटेन ले जाया गया। यहीं पर इसे पीटी बार्नम को बेच दिया गया, जिन्होंने इसी हाथी के नाम पर जंबो शब्द का यूज करना शुरू कर दिया। और इस तरह से जब भी हम जंबो शब्द बोलते हैं तो उसी जंबो हाथी को याद करते हैं। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों, इंजीनियर दुनिया में कई ऐसी कमाल की चीजें बनाते हैं जिन्हें देखकर आप तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। ऐसी ही एक बिल्डिंग अब न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में बन रही है, जिसकी शेप अंग्रेजी के यू के जैसी होगी। दरअसल यहाँ पर जगह की काफी किल्लत है, इसलिए इंजीनियर्स ने ये फॉर्मूला निकाला है जिसमें दो बिल्डिंग्स के बीच की जगह को जोड़कर स्काई स्क्रैपर बनाया जाएगा। इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच में इतनी जगह होगी कि इसके बीच से एक हवाई जहाज भी आराम से बाहर जा सकता है। इसे देखकर ही आप कहेंगे, क्या काम किया है यार। फैक्ट नंबर 13। क्या आपने कभी किसी जानवर को बाजार में शॉपिंग करते देखा है? जापान में एक पेंगुइन था जिसका नाम था लाला। इस पेंगुइन का मालिक इसे पैसे और एक बैग देकर बाजार भेज देता था, और यह पेंगुइन बाजार जाकर एक मछली की दुकान से मछली खरीदता था। इस दुकान की मालकिन भी पेंगुइन से इम्प्रेस होकर उसे एक मछली एक्स्ट्रा दे देती थी। इसके बाद ये पेंगुइन वापस आ जाता था। आपको बता दें कि रास्ते में उसे अगर गर्मी लगती थी तो वो किसी का भी दरवाजा खटका देता था, और लोग उसे ठंडे पानी से नहला देते थे क्योंकि पेंगुइन ठंडी जगहों पर रहने वाले जानवर है। दोस्तों, ऐसा ही कोई जानवर अगर इंडिया में हो तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 12। आज की तारीख में फेसबुक बच्चा बच्चा यूज करता है। ये केवल चैटिंग के लिए ही नहीं बल्कि बिजनेस का भी बहुत बड़ा सोर्स बन गया है। आज हम आपको फेसबुक यूज करने वाली सबसे बुजुर्ग महिला के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानकर आप भी चौंक जाएंगे। आपको बता दें कि फेसबुक इस्तेमाल करने वाली सबसे बुजुर्ग महिला लिलियान लोबी है, और इनकी उम्र 105 साल है। ये साउथ वेल्स के टैनबी टाउन की रहने वाली है और खुद को इस सोशल मीडिया का बड़ा फैन बताती है। इसका एक मतलब ये भी हुआ कि फेसबुक से हर उम्र के लोग प्यार करते हैं। फैक्ट नंबर 11। वैसे तो क्रिएटिविटी एक ऐसा टैलेंट है जो सबके पास नहीं होता, और अगर आप क्रिएटिव नहीं है तो कई बार आपको नए आइडियाज ढूंढने में दिक्कत हो सकती है। बात तो सही है लेकिन एक बहुत सिंपल ट्रिक से आप भी क्रिएटिव हो सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट की माने तो सबसे क्रिएटिव आइडियाज नहाते वक्त आते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नहाते वक्त इंसान सबसे ज्यादा शांत महसूस करता है। ऐसे में पानी की बूंदें पूरी बॉडी को रिलैक्स करती हैं, जो नए आइडियाज आने का सबसे बेहतरीन मीडियम है। एग्जाम्पल के लिए बता दें कि आर्किमिडीज को रिलेटिव डेंसिटी के एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत का आइडिया नहाते टाइम ही आया था। फैक्ट नंबर 10। 13 एक ऐसा नंबर है जिसे लेकर कई अंधविश्वास चलते हैं, जैसे कि कई होटलों में 13वां फ्लोर नहीं होता, यहाँ तक कि होटलों में 13 नंबर का कमरा भी नहीं होता। इसी तरह जब किसी महीने की 13 तारीख को शुक्रवार होता है तो इसे कई लोग और भी अशुभ मानते हैं। दरअसल 12 नंबर एक पूर्णांक नंबर होता है। साल में 12 महीने होते हैं, घड़ी में 12 घंटे, तो वहीं राशियां भी कुल 12 ही होती हैं, जिसके बाद 13 नंबर को बैलेंस में कमी का नंबर माना गया है। इसी वजह से इसे अशुभ माना जाता है। वहीं शुक्रवार को लेकर ये कहा जाता है कि इसी दिन जीसस को सूली पर चढ़ाया गया था, इसलिए जब भी ये दिन और तारीख कभी मिल जाते हैं तो दुर्भाग्य पैदा करते हैं। भले ही आप इसे अंधविश्वास कहें लेकिन ये लाखों लोग मानते हैं। फैक्ट नंबर 9। जब भी दुनिया के सबसे खतरनाक जानवर की बात होती तो हमें शार्क, मगरमच्छ, शेर, चीता जैसे जानवर याद आने लगते हैं, लेकिन दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर इतना छोटा है कि आप यकीन नहीं करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ खतरनाक से मतलब है कि सबसे ज्यादा जाने कौन सा जानवर लेता है, तो दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर जीका मच्छर है। जी हाँ, सही सुना, जीका मच्छर एक साल में करीब 7 लाख लोगों को मौत के घाट उतार देता है, जबकि शार्क एक साल में सिर्फ 7 से 8 लोगों की जान लेती है। वैसे जान लेने की रेस में इंसान भी पीछे नहीं है, जो एक साल
में 5 लाख लोगों को मार देते हैं। सही कहा है किसी ने, आदमी का असली दुश्मन आदमी ही है। फैक्ट नंबर 8, गर्मी के उमस भरे मौसम में पसीना आना आम बात है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके पसीने से इतनी बदबू आती है कि उनके पास खड़े होने में भी दिक्कत होने लगती है। पसीने से बदबू आने की कई वजह है। जब बॉडी में पानी से ज्यादा कैफीन हो जाती है और आप रेगुलर नहीं नहाते तो पसीने में बदबू आने लगती है। आपको बता दें कि गर्मी या स्ट्रेस की वजह से पसीना बाहर आता है, लेकिन जब स्किन पर इसके साथ बैक्टीरिया घुल जाते हैं तब ये पसीना बदबूदार हो जाता है। वैसे पसीने की बदबू दूर करने के लिए टमाटर, गुलाब जल, फिटकरी और नींबू जैसी चीजों को यूज किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 7, क्या आपको पता है कि कुत्ते कितने सालों तक जीते हैं? और अगर कुत्तों और इंसानों की उम्र को कंपेयर किया जाए तो कौन ज्यादा उम्र तक जीता है? बता दें कि कुत्तों की एवरेज एज 8 से 15 साल होती है। अगर इंसान और कुत्तों की एज को कंपेयर करना है तो कुत्तों की एज को 7 से गुना करते हैं। अब आप सोचिए कि दुनिया की सबसे उम्र दराज कुतिया का नाम मैगी था और ये पूरे 30 साल की थी, यानी कि इंसानों में इसकी उम्र 210 साल होती। एक्सपर्ट्स की माने तो 10 साल का एक कुत्ता 70 साल के एक इंसान के बराबर की जिंदगी जी चुका होता है। इस तरह कुत्ते इंसानों से भी लंबी जिंदगी जीते हैं। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जाखो राखे साइया मार सके ना कोई। ऐसा ही कुछ हुआ एक इंसान के साथ जिसका नाम है बॉबी लीच। बॉबी लीच वो इंसान है जो दुनिया के सबसे बड़े वाटरफॉल यानी कि नायग्रा वाटरफॉल से गिरकर बचने वाले पहले और एकमात्र इंसान है। आपको बता दें कि ये फॉल पूरे 51 मीटर ऊंचा है। सही कहा है किसी ने, जिसकी किस्मत अच्छी होती है वो मौत को भी हरा देता है। फैक्ट नंबर 5, एक बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने वाली कंपनी ने मार्केटिंग का एक बेमिसाल तरीका निकाला। कनाडा की इस कंपनी ने कनाडा की कैपिटल वैंकूवर में एक बुलेट प्रूफ बॉक्स में $3 मिलियन रख दिए और एक नोट लिखा कि इस बॉक्स को तोड़ने वाला शख्स इन सारे पैसों का मालिक बन जाएगा। इसके बाद तो इसे तोड़ने की कोशिश करने वालों की लाइन लग गई। सैकड़ों लोगों ने इस दरवाजे को तोड़ने में खून पसीना एक कर दिया, लेकिन कोई भी इसे तोड़ नहीं पाया। इससे इस कंपनी ने अपने कांच के दम को भी प्रूफ कर दिया। कैसी लगी आपको ये स्ट्रेटजी? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। फैक्ट नंबर 4, फिट रहना किसे पसंद नहीं है। आजकल फिट होने के लिए कई लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं। हम आपको बताएंगे एक ऐसा फैक्ट जिससे बिना मेहनत के खुशी खुशी वजन कम हो जाएगा। दरअसल अगर आपको भी फिट रहने का मन करता है तो रेगुलर चॉकलेट की जगह डार्क चॉकलेट्स खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कई स्टडीज का मानना है कि डार्क चॉकलेट खाने से वजन तेजी से घटता है। अगर आप चॉकलेट खाने के शौकीन हैं तो खुद को चॉकलेट खाने से रोकना मुश्किल होता है। ऐसे में जरूरत से ज्यादा चॉकलेट खाने से आपका वजन बढ़ सकता है, इसलिए आप अपनी डाइट में डार्क चॉकलेट को शामिल कर सकते हैं। इस पर तो ये कहावत फिट बैठती है कि आम के आम गुठलियों के दाम। फैक्ट नंबर 3, जो लोग सिगरेट खूब पीते हैं वो दूसरों से जल्दी बूढ़े दिखने लगते हैं और उनके बाल भी तेजी से झड़ने लगते हैं। एक्सपर्ट्स के हिसाब से सिगरेट में निकोटीन पाया जाता है, जिससे इसे पीने वाले लोगों की खून की नलियां सिकुड़ने लगती हैं, जिससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है और बालों को न्यूट्रिशन मिलना बंद हो जाता है। इसकी वजह से बाल कमजोर हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं। इसलिए अगर आप सिगरेट पीते हैं और अपने बालों से भी प्यार करते हैं तो आपको दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। भाई मैं तो अपने बालों को ही चुनता। आप कमेंट करके बताइए कि आप किसे चुनेंगे। फैक्ट नंबर 2, दुनिया की सबसे क्लासिक महंगी और लग्जरी कार के बारे में सोचते समय बस एक ही नाम दिमाग में आता है, रोल्स रॉयस। ये कार कई लोगों की ड्रीम कार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस कारें कौन से शहर में हैं? दोस्तों सबसे ज्यादा रोल्स रॉयस कारें चीन के हांगकांग शहर में है, इसलिए इसे सिटी ऑफ रोल्स रॉयस भी कहा जाता है। वैसे आपकी ड्रीम कार कौन सी है कमेंट में हमारे साथ शेयर जरूर करें। फैक्ट नंबर 1, स्ट्रीट लाइट्स ने ट्रैवलिंग को काफी आसान कर दिया है। इसकी हेल्प से रात में भी आसानी से सड़कों पर चला जा सकता है। शहरों में सड़कों पर शानदार लाइट्स किसी भी शहर की खूबसूरती बढ़ा देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एशिया की पहली स्ट्रीट लाइट कहाँ लगाई गई थी और दुनिया की पहली स्ट्रीट लाइट कहाँ लगाई गई? दोस्तों दुनिया की पहली स्ट्रीट लाइट लगाई गई इंग्लैंड के शहर लंदन में, और वहां से ब्रिटिशर्स इसे एशिया लेकर आए और 5 अगस्त 1905 को भारत के ही बैंगलोर शहर में पहली स्ट्रीट लाइट लगाई गई। इंडिया के लिए इस प्राउड फैक्ट पर एक लाइक तो बनता है बॉस। तो दोस्तों ये थे वो अमेजिंग फैक्ट्स जिसे जानकर आप हर बार की तरह बन जाते हैं ज्ञान की किताब। तो अगर आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, जो कि आया ही होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कौन सा फैक्ट आपको ज्यादा अमेजिंग लगा ये कॉमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।